हेलो व्यूवर्स, आज मैं लेके आया हूँ प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और ये कितने प्रकार से होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार से विभाजित है, जैसे रैम और रोम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम वोलाटाइल होता है और यह नॉन वोलाटाइल होता है। कहने का मतलब, रैम पर अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, लाइट चली जाती है, पावर चली जाती है, तो फिर वहाँ से डाटा भी डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आपका कोई चीज़ सेकेंडरी मेमोरी में है तो वहाँ पे वो परमानेंट सेव होता है, इसलिए इसे नॉन वोलाटाइल कहते हैं और इसे रैम को वोलाटाइल कहते हैं। रैम भी दो प्रकार से विभाजित है, एसडी रैम और डीडीआर रैम। एसडी माने सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, यानी सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डीडीआर माने डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक मेमोरी। तो DDR रैम आजकल यूज हो रहे हैं, SD रैम तेज माना जाता था, पहले यूज होता था। लेकिन DDR में क्या होता है कि इसमें डायनेमिक रूप से इसमें रिफ्रेशिंग होती रहती है, और ये DDR रैम आजकल प्रयोग होते जाते हैं, डबल डेटा रेट के हिसाब से वर्क करता है। रोम जो होता है PROM, और जिसे रोम रीड ओनली मेमोरी, जैसे हम लोग का BIOS बैटरी जो जहाँ लगता है वहीं पर BIOS CMOS IC भी लगी होती है, और वहाँ पे आप रोम पाएंगे। तो एक प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होती है, जो कि किसी भी मेमोरी में ऐसा करते हैं कि एक बार प्रोग्राम अगर डाल देते हैं तो उसे मिटा नहीं सकते हैं। फिर EPROM में इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, यानी कि प्रोग्राम को इरेज कर सकते हैं, ऐसे प्रकार के भी हम मेमोरी में एंट्री करते हैं और उसे इरेज करा जा सकता है। लेकिन एक होता है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से इरेज होता है, तो उसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इसको मतलब हाई इंटेंसिटी से इसे रिमूव करके प्रोग्राम को फिर से हम प्रोग्राम करते हैं, इस प्रकार की मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी आप जान गए, रैम और रोम दो प्रकार से होती है, और दोनों के फीचर के बारे में